हाय गाइस, मैंने शरीफ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो असल लोग ऐसे एक जगह पे ले जाने वाला हो जहाँ पे ना कोई धर्म है, ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई नंबर है, हर लोग सिमिलर सिक्वल है। तो चलो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ औरवेली की। जहाँ जाने के लिए मुझे पहुँचना पड़ा पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी से एक बस पकड़ा। उस बस से मुझे उतर दिया औरवेली बीच पर, जिसका भाड़ा था 10 रुपये। और वहाँ से मुझे लेना पड़ा एक ऑटो, और इस ऑटो का भाड़ा है 250 रुपये, जहाँ का डिस्टेंस है सिर्फ 8 किलोमीटर। तो दोनों तरफ के जो एकदम जंगल जैसा है, और सुन रहा हूँ कि ये वाला जंगल मैन मेड फॉरेस्ट, मतलब इंसानों ने बनाया हुआ जंगल है। और मुझे ऑटो वाला भी मिल गया बहुत सही इंसान, जो कि एकदम बहुत ही फ्रेंडली है। तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ इसके बारे में बताया, जो गांव में जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है औरवेली, जहाँ पे ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई ऊंच नीच है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत अमीर हो, कोई गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई लोग है एकदम एक जैसा है, हर किसी का जो सैलरी है वो भी सेम है। और जो मुझे ऑटो वाला मिल गया वो भी एकदम बहुत ही बढ़िया इंसान है। उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बहुत कुछ समझाया और बहुत कुछ बताया कि यहाँ का लोग कैसे रहता है। ऑटो वाला जो बोल रहे हैं, ये जगह पे 60 कंट्रीज, मतलब 60 विदेशी देश का लोग रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3,000 से ऊपर लोग रह रहे हैं। भैया ने लेके आया, मतलब बहुत ऐसा लगा ऑटो का हिसाब से, बहुत ही नाइस पर्सन। टाटा। तो ऑटो से उतर के मैं जा रहा था औरवेली वैली पर। तो जाते वक्त मुझे रास्ते में मिल गया कुछ बैनर, जहाँ से मुझे ये पता चला कि ये जो एरिया है, इसको स्टार्ट किया था श्री अरविंद्र घोष, जिनका जन्म हुआ था बंगाल में। और यह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया रोड पे ही, क्योंकि रोड पे ऐसा बहुत सारा बैनर है। इसको कब स्टार्ट किया, जो बाहर से लोग आया, कब आना शुरू हुआ, ऐसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रोड पे ही मिल जाएगा। तो भैया केरला से, तो यहाँ पे आके मतलब एक फोटो से मुलाकात हो गया और एक दो बात भी हो गया, तो यहाँ पे कैसे लगा? हम लोग बहुत अच्छा लगा, हम लोग पहली बार आ रहे हैं। मैं भी पहली बार हूँ। सो दिस इज माय वाइफ प्रभा एंड दिस इज स्मॉल बेबी और स्मॉल किड, शी इज 5 सो क्यूट एक्चुअली। आर दिस प्लेस इज नाइस एक्चुअली। वी हैव हर्ड फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड, इट इज फ्रॉम सेल्फ सस्टेनिंग एरिया। So we are about to enter the main core of the Aurovilla. But from outside it's very nice. Yes, we got this nice hat. You can see the natural beauty. This is like a forest and this is man-made forest. Yeah, actually we can say the merge of nature. Yes, here sir. More. Yes, sir. अगर आदमी से आता है तो सब कुछ कर सकते हैं, लोग कहते हैं ना। यहाँ पे पौंडीचेरी में या तमिलनाडु में आ गया तो वो विजिट करने के एक बहुत अच्छा जगह है। यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है। यह सेल्फ सस्टेन वाला एक विलेज बना दिया है, तो आ जाइए, बहुत अच्छा जगह है। थैंक यू। थैंक्स ब्रो। ओके दोस्तों, औरवेली शायद दुनिया में एक लौता जगह है जहाँ पे सिर्फ यूनिटी के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, सो यू कैन कलेक्ट ऑल दी इन्फॉर्मेशन अबाउट औरवेली। और देखो सारे के सारे बैनर से ऐसे ऐसे लिख के रखा है, तो यह पर है कि पूरा फॉरेनर एक फीलिंग आता है। तो देखो औरवेली का हॉट इज द एम, अगर आप लोग देखे थे तो औरवेली का जो एम है, यही चाहता है कि सारे दुनिया के लोग एक साथ लिव करें, मतलब एक साथ रहे, जहाँ पे कोई धर्म की, कोई नेशनलिटी की, कोई पॉलिटिक्स की अटैक ना हो। यही मातृ मंदिर की व्यू। तो यहाँ से एंट्री ले लिया, जहाँ के लिए मतलब कुछ फीस वीस नहीं चाहिए, जस्ट वो लोग काउंट करते हैं कितना आदमी अंदर है, क्योंकि ये एक बार तो शायद बंद हो जाएगा। तो चलो फिलहाल जल्दी जाके जल्दी आना पड़ेगा। तो भाई ऐसे पैदल 1 किलोमीटर जाने के बाद
हम लोग को सामने मिल जाएगा मत्री मंदिर। जहाँ पर ना कोई कैंडल है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई चादर है, मतलब वहाँ पर धर्म का कुछ नहीं है। जहाँ मेडिटेशन होता है लेकिन प्रेयर नहीं, वहीं पे जा रहे हो हम लोग। लेकिन बीच में से एक रोड है, क्या सब बेचित अगर यहाँ पे रुक गया तो सही होता। घुसने नहीं देगा। हम लोग इसी रोड से जा रहा हूँ। देखो जंगल है पूरा का पूरा, मैन मेड जंगल। इसे जा रहा हूँ और देख रहे हो जितने आदमी है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर ही है यहाँ पे। चलो भाई यहाँ के पेड़ देखो काफ़ी अजीब सा है। इसका जो ठानी है ना, मैं तो वहाँ पे उठ के वहाँ से निकल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे उठ के यहाँ से निकल सकता हूँ। तो बहुत ही यूनिक टाइप का है वो। तो भाई पूरा का पूरा देखो भाई, इसको कैसे बनाया है भाई। ये एक पेड़ है, इसके साथ ज्वाइंट हो गया। अरे सारे के सारे एक दूसरे से ज्वाइन करवा दिया क्या भाई। ये तो एक बार अजूबा है, असंभव ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। देखो ओ भाई 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 भाई, भाई। सुना था कि लोहे से लोहा को गर्म करके एक साथ कर सकता हो, या तो सारा पेड़ के साथ पेड़ को इकट्ठा कर दिया भाई। दिस इज सो यूनिक। तो भाई यहाँ पे चल के शुरुआत में आप लोगों को लग जाएगा मैं कहाँ आ गया हूँ। ये तो जंगल है, जंगल में उतना खास किया है। आप यह के बारे में थोड़ा कुछ जानोगी तो हैरान हो जाओगी। दिस इज द यूनिक पीस। ये इतना यूनिक है इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को ये सब बहुत सारा आर्किटेक्ट मिल जाएगा। और मैं अभी आ गया एकदम मत्री मंदिर के नज़दीक। एक्चुअली यहाँ से सिर्फ मत्री मंदिर का व्यू ले सकते हो। और आज से संडे, और संडे ये बंद रहता है। और बेसिकली पूरा जो ऑरोवेली है संडे हाफ डे रहता है, और जो मत्री मंदिर है वो टोटली बंद रहता है। अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को दो दिन पहले एक पास लेना पड़ेगा, तब जाके आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये सिर्फ मेडिटेशन के लिए होता है। तो भाई ये है मत्री मंदिर, देख लो धूप काफ़ी ज़्यादा है, मेरा हालात काफ़ी बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा रेस्ट लेने का टाइम। और ये यहाँ की झोपड़ी जो कि इंडियन है, और बाकी सब फॉरेनर है भाई, तो ऐसे एक इंडियन जैसे लग रहे है। तो चलो भाई हर चीज अजीब लग रहा है। यहाँ पे तो आइसक्रीम खाने के लिए भी कैश नहीं ले रहे, मतलब सिर्फ ऑनलाइन पेइंग हो रहा है। तो आइसक्रीम 60 रुपये का आइसक्रीम देखता हो कितना टेस्टी होता है। अरे भाई पिघलते जा रहे, क्यों तो 60 रुपये ले लिया भाई, पिघल मत अभी। यहाँ पे सारे के सारे कुछ होटल वगैरह है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम कॉफ़ी स्नैक्स यही सब मिलते हैं। तो मुझे अभी जाना है होटल में, क्योंकि पेट पूजा करना है। तो ये तो शॉपिंग मॉल जैसे दिखाई दे रहे, कपड़ा वपड़ा कुछ अंदर दिखाई दे रहे, और ये तो होटल जैसे दिखाई दे रहे। चलो अपने पल्ले का पड़ता है तो खा लूँगा।
अभी आ गई है कि होटल से सुना है कि यह आपको बहुत ताज़ी चीज़ें मिलती है खाने के लिए। एक तो वाइट राइस ऑर्डर करता हूँ, एक तो क्या क्या मिलता है। तो वही और अगर मैं होटल में ऑर्डर किया हो तो मैं देखता हूँ क्या क्या मिलता है। बहुत ही महंगे महंगे होटल है भाई। पापड़ और क्या क्या है देखो, ये है सब्जी, ये है रसम, दाल सांभर है, सब्जी यही सब मिला भाई। खा के टेस्ट करता हूँ अभी। एक रोटी, दाल तो वो ही जो लोकल में मिलता है। खाना तो है ना बहुत ही खराब है सब, तो इसको साइड कर लेता हूँ। हाथ से खाऊंगा इंडिया में, ऐसा नहीं कि चम्मच से खाऊंगा। तो भाई खाना वाना कभी खा लिया, सब कुछ चेक कर लिया, टेस्ट तो मान लो अपना जो गांव का जो है ना वही सही है भाई, जो रोड पे मिलते हैं सेम टू सेम, लेकिन कुछ एरिया बड़ा है ना इसके हिसाब से 250 रुपये। सब कुछ चेक के ये भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ फ्री में मिल रहा था ना, ये एंट्री फ्री, उसके बाद जितना कुछ देखा वो भी फ्री, सब कुछ फ्री फ्री उसमें सब कुछ एक साथ ले लिया। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकल के चला जाता हूँ।